यहूदा देखो ये इतनी सी गंदम 10 खुशों से निकली है। ये गंदम तो काश्त करने के लिए नाकाफी। बिन्यामीन जाओ बाबा से पूछो कि सारी गंदम ऐसी ही है, आया हम इसे काश्त करें या रहने दें। हाँ उनसे मशवरा ले लूंगा। जी अच्छा मैं अभी पूछ कर आता हूँ। हम दीन हनीफे इब्राहिम के पैरोकार हैं और हमारी किताब आसमानी सहीफा है। दादा जान हजरत इब्राहिम कौन थे? वो मेरे दादा थे, खुदा के पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। मेरे दादा किनान में आने वाले पहले शख्स थे। दादा जान मुझे ये पूछना था कि हमसे पहले भी कोई किनान में आबाद था या यहाँ रहने वालों में हम लोग ही सबसे पहले हैं? नहीं मेरी जान, हमसे पहले भी किनान मौजूद था और दूसरे लोग यहाँ पर आबाद थे। दादा जान हमें बनी इसराइल क्यों कहा जाता है? किनान वाले शुरू ही से तुम लोगों को बनी इसराइल कहते हैं, चूंकि तुम लोग मेरी औलाद और मेरी औलाद की औलाद हो। चूंकि मेरा नाम इसराइल है लिहाजा तुम लोग और तुम्हारे बाप सब फर्जंदान इसराइल कहलाए जाते हैं। दरूद ब नबी खुदा। क्या बात है बिन्यामीन? बाबा इस साल गंदम की फसल ऐसी हुई है, इसे काश करें या नहीं? अगरचे ये न होने के बराबर है और काफी मेहनत तलब है, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो सख्तियों के कई साल दरपेश हैं। जितनी है उसी को काश्त कर लो और जिस कदर मुमकिन हो जखीरा कर लो और असराफ से इज्तनाब करो, वगरना ये कहत हमसे बहुत बड़ा खिराज वसूल करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर खुशों में दाने नहीं भी हुए तो कम से कम जानवरों के चारे के काम ही आ जाएगा। यही उगा दो, यही उगा दो, ये भी गनीमत है। ठीक है बाबा। तीस साल होने को आए मेरे बच्चों की जिंदगी से खैर बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। जब से इनका भाई गुम हुआ है हजार कोशिशों के बावजूद भी नाने शबीना को मोहताज रहते हैं। हाँ तो बच्चों हम क्या बातें कर रहे थे? कहाँ है सिवाय युजार शरीफ के किसी के पास गंदुम नहीं? सारी गंदुम तो उसने अपने गोदामों में भर ली है। जानता हूँ, मेरा मतलब मिस्र से फारस से है, हमसाए मुमालिक से। मुझे बस किर्त और हितानी की खबर है, ये दोनों मुमालिक भी कहत का शिकार है। दूसरे मुमालिक में पता करवाओ, शायद वहाँ से ही कुछ गंदुम का इंतजाम हो जाए। पहले शहर में अपने आने की वजह बयान करो। हमारा मुल्क भी कह ज़्यादा ममालिक में से है, पता चला था कि मिस्र में अनाज मिल जाएगा, बस इसीलिए आए हैं, हो सके तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप लोग खावरी हैं ना? जी बिल्कुल जनाब। रुकें जब तक कि मैं आपके बारे में हुक्म लेके आऊँ। इन लोगों को यहीं रोको, मैं अभी आता हूँ।
अब तक तकरीबन 400 गुलामों के साहिबान नाकाबिल बर्दाश्त अखराजात के बाइस अपने गुलामों को आज़ाद कर चुके हैं। ये गुलाम अब ज़रूरतमंदों के फहरिस्त में शुमार होंगे, लिहाजा इन्हें बिला मुआवजा गंदम दी जानी चाहिए। बिला मुआवजा गंदम क्यों दी जाए? इनसे कोई काम क्यों ना ले लिया जाए? आप लोगों को गंदम की तकसीम और गोदामों के निगहदाश्त और निगरानी के लिए यकीनन कई लोग दरकार होंगे, लिहाजा उन्हें काम के अवज़ गंदम देना ज़्यादा बेहतर होगा। आफरीन आसनाद, नहायत ही मुनासिब तजवीज़ है। मुझे जनाब आखनातून और बानो नफरतीती का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने मेरे लिए आप जैसी शरीक हयात का इंतखाब किया। इस तरह से अफरादी कुव्वत की दरपेश कमी को इन गुलामों के जरिए बासानी दूर किया जा सकता है। दुरूद बर युजार सीफ दाना ओ हकीम। दुरूद खुदावंद हो आप पर भी। अली जनाब, मैं शहर के शर्की दरवाजे का पहरेदार हूँ। कुछ लोग हमारे पड़ोसी ममालिक से, जो खुद को खावरी बता रहे हैं, गंदम खरीदने के लिए आए हैं। उनके लिए क्या हुक्म है? पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लें कि क्या वाकई वो कहतजदा हैं। कहतजदा ममालिक के अलावा किसी को गंदम न दी जाए। और कहतजदा ममालिक के नामों की फहरिस्त में आपको अभी दिए देता हूँ। मुनाफा खोरों से बचने के लिए हर एक को सिर्फ एक माह की गंदम दी जाए, यानी 10 पैमाने से ज्यादा गंदम किसी को न दी जाए, और यह कीमत भी फरावानी के ज़माने के हिसाब से ही ली जाए, और उनके नाम और दीगर कवायफ का इंदराज कर लिया जाए ताकि महीने में एक बार से ज़्यादा गंदम न ली जा सके, और उनके असबाब की भी अच्छी तरह तलाशी ली जाए कि कहीं अपने साथ कोई असलहा या कोई और जंगी हथियार न छुपाया हुआ हो। यून कहर ज़्यादा ममालिक के नामों और लाजिम अहकाम की फहरिस्त है। आप कुछ तो करिए बानो, वो लोग मोहब्बत को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हद तक के गंदम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखर पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी मोहब्बत का एक कारिंदा और तरफदार समझते। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदम मिल जाए तो काफी है, अगले साल तो होने वाली फसल से माबत खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों यूजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमूल हूँ तब सुना तुमने, मेरा बेटा आमून हो तब है, मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मजाक खेज नाम मैं कभी अपनी जबान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर, वही आमून होतब, कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्प बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए, शायद माबत की जरूरत और गंदम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजार सीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजार सीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे, इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में हैं। यकीनन माबत की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदम की दस्तियाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देख कर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है।
मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी रابطہ है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू यह है कि आईन यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आईन के तौर पर ऐलान करूँ और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक्तदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा यह है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक्कुक पाएगा।